अलवर के रेणी गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, मृतक केशव सेन हत्याकांड ने पकड़ा है तूल। पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। बीजेपी नेता बन्नाराम मीना और श्रीकांत सोदावत समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए किया था करौली अलवर मार्ग जाम, धरने में शामिल हुए थे कई कांग्रेसी नेता, केवल बीजेपी नेताओं पर दर्ज किया गया है मुकदमा। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कांग्रेस पर लग रहे हैं द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप। धरने में शामिल थे कांग्रेस नेता, लेकिन नहीं लिया गया है नाम। आखिर धरने पर शामिल कांग्रेस नेताओं पर क्यों नहीं किया गया मुकदमा? बड़े सवाल के साथ बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस वक्त के अलवर के रेणी से बड़ी खबर है, मृतक केशव सेन हत्याकांड का पूरा मामला है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी नेता बन्नाराम और श्रीकांत जैसे नेताओं के नाम शामिल है। पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर करौली अलवर मार्ग जाम किया गया था और इसी धरने में शामिल हुए थे कांग्रेसी नेता, लेकिन पुलिस की ओर से सिर्फ बीजेपी नेताओं पर ही दर्ज किया गया है मुकदमा। ऐसे में कांग्रेस पर लगातार उठ रहे हैं सवाल, द्वेषपूर्ण कार्रवाई के लगे हैं आरोप। धरने में शामिल कांग्रेस नेताओं का क्यों नहीं लिया गया है नाम? बड़ा सवाल और बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आखिर धरने में शामिल कांग्रेस नेताओं पर क्यों दर्ज नहीं किया गया है मुकदमा? ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इस वक्त की अलवर से।